गाइस फंस गया यार, ना आगे गया ना पीछे हुआ भाई, एकदम बीच में। यहाँ पर देख रहे हो मतलब ऊपर में एकदम। तो नया बाइक जब आएगा ना तब तो भाई और खतरनाक खतरनाक वाला राइड होगा। हाँ ये अपना स्कूटी का टायर फिस हो गया है। मोबाइल तो कुछ दिन पहले डाला था, कुछ दिन पहले डाला था मोबाइल। मतलब जल्दी करने के लिए आया था कुछ चीज़, मतलब जल्दी खत्म करने के लिए आया था। तो जल्दी का काम शैतान का होता है, तो ऐसे कुछ सीन हो गया मेरे साथ। आज पता चल गया कि सेकेंड हैंड चीज़ लेने के बाद ना क्या होता है भाई। तो अपना जो बाइक है ना KTM ड्यूक का जो डिलीवरी है ना इस बुधवार को है, मतलब वेडनेसडे को है। 22 तारीख को अपना जो बाइक का जो ना बाइक का डिलीवरी है, तो 22 तारीख को अगर आना होगा ना तो भाई जरूर से आना। तो गाइस टाइम हो रहा है लगभग 6:51 एंड तारीख हो गया आज 18 मार्च 2023। सुबह निकल चुके हैं, तो सुबह सुबह ना एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं, पूरा रेडी हो चुके सुबह सुबह, तो कहाँ जा रहे हैं तो सब कुछ बोलेंगे। एंड वाला जो प्लान जो ना अचानक से हुआ, तो कल हुआ है वो प्लान, तो सोलो जा रहा है फिलहाल, कहाँ जा रहे हैं वो सब कुछ बोलेंगे। एंड आपका स्कूटी को लेकर जा रहा है। एंड कल जो है ना पूरा आंधी तूफान आ चुका था रात को, वो ये देख सकते हो पूरा एकदम क्या बोलते उसको पत्ता वत्ता सब गिरा हुआ है। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं एंड निकल के मोटर ब्लॉग में बात करेंगे कि एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं हम फिलहाल अभी, तो सोलो में कहाँ जा रहे हैं तो सब कुछ बोलेंगे। तो फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से, स्कूटी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं एंड गर्म करके फिर निकलते हैं एंड मोटर ब्लॉग में सब कुछ बात करेंगे। तो फटाक से निकलते हैं, 6:30 बजे निकलने का बात था एंड 7 बजे को एक्चुअली, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे निकलते भाई। भाई सुबह सुबह उठ के जो मज़ा है ना भाई, इतना खतरनाक मज़ा है ना, एंड नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ रहा है। एंड सुबह सुबह देख सकते हो भाई मस्त एकदम हो रहा है ना, स्कूटर को थोड़ा सा गर्म किया जा रहा है, एक्चुअली थोड़ा सा काम के लिए जा रहा है हम एक्चुअली, तो वो भी बोल देता है। तो हर काम को ना हम जो ना इन्जॉयमेंट निकालते हैं हर काम में, तो ऐसा कुछ है ना अभी सोच रहा कि जा ही रहे तो ब्लॉग भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने ना 6 दिन से शायद ब्लॉग नहीं डाला है। तो कल जो ब्लॉग है, ये वाला ब्लॉग जो है ना कल मोस्ट प्रॉब्ली कल संडे को आ जाएगा एंड संडे को भी थोड़ा सा स्पेशल ब्लॉग शूट करना है। तो फिलहाल अब ऐसा कुछ ना, तो संडे को ये वाला ब्लॉग आ जाएगा। तो नया बाइक जब आएगा ना तब तो भाई और खतरनाक वाला राइड होगा। तो फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से, निकल के बात करेंगे भाई, तो लेट्स गो। फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं, तो अभी हम लोग है अपना बाईपास रोड पे। तो भाई देख सकते हो पूरा जो है ना जैकेट, डेनिम जैकेट पहन लिया है। तो हम अभी फिलहाल अभी निकले हैं फिर बागडोगरा के लिए। तो अच्छा बागडोगरा में ना थोड़ा सा मेरे को काम है, छोटा सा काम है। हम दोपहर को 12 बजे 11 बजे भी कर सकता था, तो आधा घंटा का काम है, मतलब घंटा का काम जो है ना हम अभी फिलहाल अभी कर रहे हैं 2 घंटा में। लड़के लोग है ना हम लोग का थोड़ा सा अलग ही फैशन है। तो पहले तो भाई मतलब सिर्फ चाय पीने के लिए ना हम लोग मंबाड़ी के साइड में मतलब चाय पीने जाता था भाई, गजलडोबा में चाय पीने जाता था शाम को, ऐसा सीन था हम लोग का। तो फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से, निकल के सेवक रोड में मिलते हैं भाई, तो लेट्स गो। गाइस फाइनली हम लोग उठ चुके हैं आपका सेवक रोड में। तो सेवक रोड देख सकते हो मस्त खाली खाली, तो खाली खाली जो सुबह ही मिल सकता है। तो एक्चुअली हम निकला ही है मतलब इसी कारण के लिए सुबह सुबह भाई, 10:30 बजे निकलेंगे ना। तो एक्चुअली आप लोगों को पता ही है ऑफिस है अभी भाई, ऑफिस भी जाना है हमको। हम सोचते हैं कि चलो आधा घंटा का जो काम है ना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सुबह सुबह निकल जाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना ऑफिस का टाइम मेरा है ना ऑफिस में ही देंगे भाई। तो क्योंकि अपना ऑफिस में ऐसे भी मेरा जो सीनियर भैया है ना वो नहीं है, तो चलो इसलिए मैं ऑफिस से जो है ना हिल नहीं पा रहा है। एंड अगर भैया भी रहता ना आधा घंटा का काम है भाई निकल जाता। तो एक्चुअली हम जा रहे हैं अपने बागडोगरा, तो बागडोगरा में थोड़ा सा काम है, काम को ही इंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं फिलहाल अभी सोलो अकेले, लेट्स गो। तो निकलने का बात था भाई 6:30 बजे, तो चलो हम सोचते थे 6:30 बजे निकलेंगे, 7:30 बजे पहुंचेंगे, 8:30 बजे घर आएंगे, लेकिन निकलते 7 बज गए भाई। तो 7 बजे निकल रहे अभी फिलहाल, तो बजे गया मतलब ऑलमोस्ट, मतलब 10 मिनट कम था जब हम निकल रहा था घर से, तो 7 पकड़ लो। तो फिलहाल अभी देखेंगे कि भाई हम आज जो है ना मतलब बागडोगरा जो है ना स्कूटी में कितना देर में पहुंचते भाई। एक्चुअली हम सोचते थे कि थोड़ा सा सुबह सुबह ट्रैफिक कम होगा, लेकिन भाई जितना जैसा हाल है वैसा ही है, थोड़ा कम है लेकिन भाई ट्रैफिक तो है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। एंड अभी हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं सिटी सेंटर में, अपना दार्जिलिंग वो जस्ट क्रॉस किया अभी। तो ये देख सकते हो सिलीगुड़ी का गेट, इसमें जो है ना लाइट भी जलता है भाई रात को, इसलिए हम अभी तक देखा ही नहीं है इसका लाइट। लेट्स गो बॉयज। तो एक्चुअली ना यहाँ पर काम था, मतलब ये वाला जो मोड़ है ना यहाँ पर काम था। तो एक्चुअली हम अगर 11:10 साढ़े 10 बजे 11 बजे अगर आता ना
तो चलो यही से काम हो जाता, लेकिन क्या करें मतलब उस टाइम पे आना होगा नहीं, तो इसलिए हम सोच रहे कि चलो सुबह सुबह जाके आ जाते हैं। मतलब 6-7 दिन के बाद एक्चुअली वीडियो शूट कर रहे हैं, तो चलो मन भी नहीं हुआ था अपना बाइक जो आने का ना एक्साइटमेंट भाई। एक बार हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा बड़ा करके मतलब ग्रैंड डिलीवरी लेंगे, इतना कुछ करेंगे नहीं मतलब थोड़ा सा मतलब वो करेंगे भाई मतलब सिंपल तरीके से। आना हो तो वही जरूर आना, सेवक KTM में अपना बाइक की डिलीवरी होगा 22 तारीख को भाई, वेडनेसडे होगा उस दिन। हम सोचते कि मतलब सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रैफिक देख रहे हो भाई भाई सिलीगुड़ी अभी पहले ऐसा नहीं रहा भाई, सिलीगुड़ी अभी डेंजर जोन हो गया ऐसा लग रहा है, देख रहे हो एंड सामने देख रहे हो भाई मर्सिडीज। हम सोच रहा था कि भाई लोग सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन भाई अलग ही लेवल का ट्रैफिक है भाई। खतरनाक, अपना स्कूटी जो है ना ऐसा आवाज कर रहा है वो ऐसा मतलब छोड़ने से ना भाई ऐसा आवाज कर रहा है भाई। अपना बाइक जो स्कूटी जो ना बाइक बन चुका है ऐसा लग रहा है, पूरा हेलमेट के अंदर ना पूरा मतलब साउंड आ रहा है भाई, एक्सीलेटर छोड़ रहा है ना ऐसा साउंड आ रहा है भाई। पता नहीं आप लोग आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, हमको ना थोड़ा सा सिनेमेटिक भी लेना है, तो सामने जाके सिनेमेटिक लेंगे मस्त सा। हाँ अपना स्कूटी का टाटा फीस हो गया है भाई, पूरा साउंड चेंज हो गया, साउंड भी चेंज हो गया एंड पता नहीं क्या हो गया मतलब अलग साउंड आया एंड स्कूटी में जो अजीब सा साउंड दिया भाई, अभी पता नहीं यार क्या हो गया भाई, जाने का टाइम में दिक्कत ना दे खाली। साउंड ख़त्म भाई, भाई स्कूटी ख़त्म हो गया, साउंड देख रहे हो क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई स्कूटी को, आज स्कूटी में प्रॉब्लम हो गया यार मेरे को, बस एक ही दिक्कत है खाली, जाने का टाइम में भाई आराम से पहुंच जाए बस, पता नहीं क्या हो गया, अब नया प्रॉब्लम। A few moments later, गाइस फंस गया यार, ना आगे गया ना पीछे हुआ भाई, एकदम बीच में यहाँ पर देख रहे हो मतलब ऊपर में एकदम, क्या दिक्कत हो गया पता नहीं, लेकिन पूरा बंद हो चुका है यार, दिक्कत हो गया। Shoot, man. भाई खतरनाक प्रॉब्लम हो गया यार, तो अपना स्कूटी पता नहीं क्या दिक्कत दे दिया, अभी गैरेज तो खुला नहीं है मतलब, तो इसको बुलाना पड़ेगा, ये बोले भैया को यहाँ पर है दुकान बोला था, बुलाना पड़ेगा भाई, भैया मोबाइल नहीं था, मोबाइल तो कुछ दिन पहले डाला था, कुछ दिन पहले डाला था मोबाइल, वहाँ देता था गाड़ी, हाँ नहीं क्या करना पड़ेगा मोबाइल डालने से होगा, नहीं देखिए तो एक बार ऊपर, मोबाइल कब आए थे यार, हाँ 2 महीना हुआ, 2 महीना हुआ तो इसमें मोबाइल खाता का आपको समझ नहीं आया, तो मोबाइल खा मोबाइल चेंज करते हैं ना, हाँ तो 800 ml कैसे उठाएंगे इसको, कितना टाइम लगेगा अंकल, आप चीख मार के स्टार्ट करते थे गाड़ी, हाँ कभी 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 कभी, हाँ ठीक मार है ठीक, पूरा अटका हुआ है अभी, अटक गया हाँ। तो अपने साथ ना एक कुपोट हो गया, तो अपना स्कूटी जो है ना सीज हो चुका है भाई, तो यहाँ पर जैसे तो यहाँ पर पार्क किया हुआ है, तो ये रहा गैरेज, तो यहाँ पर भैया बोला कि यहाँ पर जो स्कूटी है ना पूरा सीज हो चुका है, तो जो है ना कीक भी नहीं लग रहा है स्कूटी में, तो इसका जो मोबाइल था ना मोबाइल पूरा खत्म हो चुका था, तो 2 महीना पहले मोबाइल डाला था भाई, तो अभी भाई कुछ ऐसा हाल है, तो सेकेंड हैंड सामान कुछ लोगे ना तो ऐसा हाल होगा भाई, आज पता चल गया कि सेकेंड हैंड चीज़ लेने के बाद ना क्या होता है भाई, तो मतलब जल्दी करने के लिए आया था कुछ चीज़ मतलब जल्दी ख़त्म करने के लिए आया था, तो जल्दी का काम शैतान का होता है, तो ऐसे कुछ सीन हो गया मेरे साथ, तो अभी देखेंगे ऑटो वोटो बुला के सिलीगुड़ी लेके जाएंगे सीधा, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कल देगा भाई स्कूटी, तो यहाँ पर ठीक करेगा तो कल देगा, तो सिलीगुड़ी से सामान मंगवाएगा उसके बाद ही ठीक कर पाएगा,
तो इसलिए हम सोचा कि चलो इतना दूर तो आना पॉसिबल नहीं है डेली डेली, तो हम सोचा कि चलो इसको सिलीगुड़ी ले जाएंगे सीधा ऑटो में उठा के। तो लेट्स सी देखते क्या होता है। अभी जो काम के लिए आया था ना वो काम पहले खत्म करते हैं, फोन किया तो सामान लेने के लिए आ रहा है। में लोड करके लेके जाना पड़ेगा इसको भाई सिलीगुड़ी। क्या कर दिया भाई, क्या हो गया। तो गाइस ये रहा अपना गाड़ी आ चुका है। तो अपना गाड़ी को देखे ना पहली बार इतना खुशी हो रहा है भाई। भाई धोखा दे दिया। इसको उठाना पड़ेगा, अभी उठाने में इसका इतना प्रॉब्लम होगा ना। अभी उठा मैं ये सोच रहा अभी दो जन मिल के उठाएंगे कैसे भाई। भाई फट गया पूरा, सबसे बड़ा टास्क था इसको उठाना। गाइस क्या कंटेंट बनाने आया था, क्या कंटेंट हो गया भाई। तो भाई शेर अपना स्कूटी भाई देख सकते हो पूरा एकदम, क्या बनाने आया था, क्या कंटेंट बन गया भाई, अलग ही लेवल का कंटेंट बन गया। एंड देखो टाइम बचाने के लिए आया था, लेकिन अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:06 हो रहा है, मतलब टाइम बचाने आया था तो टाइम यहीं पर निकल गया भाई, गलत सीन हो गया आज। मतलब क्या बनाने आया था, मतलब यही होता है जब आप जल्दी करते हो ना हर चीज़, मतलब कोई भी चीज़ जल्दी करने का सोचते हो ना उस टाइम पे ज़्यादा ही मतलब वो हो जाता है और ज़्यादा काम बिगड़ जाता है। तो ऐसा ही कुछ सीन हो गया मेरे साथ भी। तो देख सकते हो भाई अपना स्कूल ही ये रहा, तो जल्दी का काम शैतान का आज पता चल गया। तो इसको लोड कर लिया अभी फिलहाल, अभी निकलेंगे यहाँ से हैंड अपना घर में जाके इसको छोड़ेंगे। हैंड घर में ठीक होगा, अपना स्कूटी जो है ना घर में ही रिपेयर होगा भाई। तो फोन कर दिया है तो लेट सी देखते हैं घर जाके। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, निकल के बात करते हैं भाई। तो गाइड तो गाइस फाइनल आ चुका है हम अभी घर। तो ये रहा भाई, अभी इसको उतारना पड़ेगा। हाँ उतार के अभी जैसे कि सोचा था कि घर में नहीं होगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा कहीं पर, तो वहाँ पर छोड़ देंगे मतलब अभी जाने का टाइम पे। तो इसको पहले उतारते हैं एंड उसके बाद निकलते भाई। तो आज टाइम हो रहा है अभी लगभग 11:14 एंड तारीख हो गया आज 19 मार्च 2023। तो भाई आज भाई नेक्स्ट डे, तो कल जैसे कि देखा आप लोगों ने कि कल अपना स्कूटर के साथ था खतरनाक वाला चीज़ हो गया। तो एक्चुअली ऐसा ही सीजन होता है, मतलब एक होता है ना प्रॉब्लम में होता है ना तो चारों तरफ से प्रॉब्लम आता है। तो ऐसा ही कुछ सीन है अब मेरे साथ भी। तो भगवान जो है ना, मतलब भगवान जी है ना, मतलब मेरे साथ टेस्ट ले रहा है, मतलब चारों तरफ से मुसीबत एक साथ ला रहा है। तो ऐसा कुछ सीन है। तो अपना स्कूटी को ना भाई मतलब लगभग 10,000 जैसा खर्चा हो गया अभी फिलहाल के लिए। तो अभी फिलहाल कल रात को 11 बजे हम मतलब सीधा ऑफिस, मतलब ऑफिस से ना सीधा हम स्कूटी का वहाँ पर गया था। वहाँ पर जाके देखेंगे कि भाई मतलब क्या सीन है स्कूटी का। अभी तो कल रात को तो 11 बजे घर आया था फिर हम, तो घर 11 बजे आने का टाइम मेरा, तो उस टाइम में मतलब 80% हो ही गया था काम। तो अभी जस्ट अभी देखेंगे जाके कि क्या सीन है, हो गया होगा तो लेके आ जाएंगे। तो लेट्स गो चलते हैं फिलहाल, वहाँ पर जाके आप लोग को दिखाएंगे कि अपना स्कूटी का हाल अभी क्या होकर रखा है। तो लेट्स गो। तो बस फाइनली अपना स्कूटी जो है रेडी हो चुका है, तो अभी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। तो अपना स्कूटी में भाई टोटल खर्चा आया 11,150 ऐसा कुछ खर्चा आया। तो इंजन है ना पूरा एकदम नया बन चुका है, तो आप लोगों को एक बार दिखाना चाहेंगे स्कूटी अपना पूरा तरीके से बन चुका है अभी। तो बस अभी जस्ट घर लेके आया अभी, तो स्कूटी को एक बार दिखाया था आप लोगों को क्या इसका हालत क्या होकर रखा है। तो बस सेरा स्कूटी लेके आ गया भाई, खतरनाक खर्चा करवाया दिया। मतलब अभी इंजन जो ना इसका जो है ना इंजन अभी नया बन चुका है, इतना अनएक्सपेक्टेड का खर्चा आ गया ना भाई, हम तो मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था भाई। स्कूटी का जो प्राइस है ना उससे भी मतलब ज़्यादा खर्चा, तो स्कूटी मतलब इतना लग गया ना अभी, मतलब अभी तो बेचने का तो सोच नहीं सकते क्योंकि इतना खर्चा आ गया अभी। तो क्या कर सकते अब, तो ऊपर चलते ऊपर। तो गाइस फिलहाल आ चुका हूँ अभी घर में। तो जैसे कि देखा आप लोगों ने भाई लोग, तो अपना बाइक जो ना मतलब स्कूटी जो ना अपना रेडी हो चुका है। तो आप लोग को और एक खुशखबरी देना है भाई, अपना जो बाइक है ना KTM Duke का जो डिलीवरी है ना इस बुधवार को है, मतलब वेडनेसडे को है। तो 22 तारीख को अपना जो बाइक का जो ना बाइक का डिलीवरी है, तो 22 तारीख को अगर आना होगा ना तो भाई ज़रूर से आना। तो आप लोग आ सकते हो KTM शोरूम में, तो सेबक KTM में हम लोग डिलीवरी ले रहे हैं अपना KTM Duke 250 का। तो ज़रूर से आ जाना भाई अगर आना होगा तो। तो ऐसा कुछ ही नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा मतलब इनविटेशन है भाई, आप लोगों को अगर आओगे ना, अगर एक दो बंदा भी आ जाएगा ना मतलब उसमें, तो भाई दिल खुश हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ही नहीं,
तो एंड अभी जो फिलहाल जो है ना अपना मतलब ब्लॉग बनाने का और मन नहीं कर रहा है, एंड ये वाला जो ब्लॉग है ना थोड़ा सा लंबा भी हो गया क्योंकि ये वाला वीडियो जो है ना हम कल से शूट कर रहा है। तो आप लोगों को बस दिखाना था कि अपना जो स्कूटी है ना भाई कैसे बना था कल रात को 11 बजे तक ना, मतलब बाइक के पास स्कूटी के साथ ही था हम भाई, इतना सब कुछ खोल दिया था स्कूटी का। हम तो कल ना ये सोच रहा था भाई इतना छोटा छोटा चीज़ जो है ना कैसे लगाया क्या सेट करेगा क्या पता नहीं, तो भाई फाइनली अपना जो स्कूटी है रेडी हो चुका है। इतना पैसा लग गया ना, हम तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना खर्चा हो जाएगा अपना स्कूटी में भी बाइक लेने से पहले वो भी। तो बाइक लेने का तो ऐसे भी अपना जो ना पैसा जो है ना सब कम पड़ रहा था, एंड ऊपर से भाई और मतलब और चुना लगा कुछ ना, जब मतलब प्रॉब्लम आता है ना तो चारों तरफ से प्रॉब्लम आता है, तो बस उसको हैंडल कैसे करना है बस वही आप लोगों को बस देखना है। तो ऐसा कुछ ही ना, एंड इस चीज़ से ना आप लोगों को बस यही मतलब थोड़ा सा मतलब बोलना है, मतलब इस वीडियो के थ्रू ना आप लोगों को बस यही रिकमेंड करना है एंड यही बस सजेस्ट करना है आप लोगों को बस कि भाई जो भी चीज़ है ना मतलब छोटा छोटा चीज़ है ना, मतलब जो बाइक हो आपका या फिर स्कूटी हो तो कुछ भी हो ना भाई एक ही चीज़ बोलेंगे कि भाई छोटा छोटा चीज़ के लिए 500 रुपये या फिर 200 रुपये के लिए ना मतलब किसी कोई भी काम को ना रोक के मत रखो, उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि भाई 400-500 के लिए ना कभी कभी ना 5,000-10,000 भी खर्चा हो जाता है। तो वैसे कुछ सीन था मेरे लिए मेरे इस कहानी में भी भाई, मेरा ऐसे कुछ था। अगर हम मोबाइल चेक कर लेते ना तो अगर मोबाइल डाल लेते ना तो ऐसा इतना भी खर्चा नहीं आता शायद, तो इसमें मेरा ही फॉल्ट था भाई, ऐसा ही कुछ सीन था। तो आज का वीडियो ना भाई लोग फिलहाल के लिए क्लोज करना चाहेंगे, तो लोग आज फिलहाल के लिए इतना वीडियो से लाइक करना कमेंट करना अच्छा पैक ना भाई, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। तो मिलते हैं 22 तारीख को, तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।